तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सो गुड मॉर्निंग, हेलो गाइज, हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल हैविंग फन। सो हमारे जो कल जो दर्शन किए हमने, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार दर्शन हुए, क्योंकि एक तो हमारे पास पास था, तो पास अगर आपके पास होता है तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है, अलग से लाइन लगती है। कॉन्ट्राडिक्शन है कि सबके पास ही पास होता है आजकल, तो उसकी लाइन डिफरेंट थी, बट हाँ दर्शन बहुत अच्छे से हम लोगों के हो गए। वो मैं कवर नहीं कर पाया बिकॉज कैमरा ले जाना वॉज प्रोहिबिटेड, बट आज का जो हमारा प्लान है ना, आज का हमारा प्लान है नासिक जाने का। बट अभी आप सोचोगे नासिक क्यों जाना है, तो नासिक जाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। आपने सुना होगा कि शिवजी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक जो है वो है नासिक में, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। तो हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा प्लान था शनि सिग्नापुर जाने का, लेकिन यहाँ पे लोकल लोगों ने बताया कि आप त्र्यंबकेश्वर भी जा सकते हो, विच इज़ लाइक 2 आवर जर्नी, 2 1/2 आवर जर्नी। तो हम लोग वो कवर करेंगे, और पहले हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे शनि सिग्नापुर। तो हमारा कल का दिन वॉज प्रेटी गुड। अभी जो है टैक्सी एक्चुअली ऑलरेडी बुकड है, ये लोग आ रहे हैं ऊपर से रेडी होके, अभी तक आए नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना है, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे नासिक। आई होप वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश ना हो, क्योंकि एक तो आज मंडे है, दूसरा शिवजी भगवान का मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा रश होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई होप कि हमारे जो दर्शन है वो ईजिली हो जाए, बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो, बिकॉज मॉम इज़ विद अस। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान है। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने मंगाई है पूड़ी भाजी और मॉम की ग्रिल सैंडविच और नीतू का एज यूजुअल घी डोसा। एक्चुअली यहाँ पे पंजाबी और साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं खड़ा था इस दुछत्ते के नीचे, ये देख रहे हो, क्योंकि बारिश हो रही है। खाना हम लोगों ने सब खा लिया, गाड़ी आ गई है, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलते हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। ये लोग एक्चुअली ऊपर चले गए थे रूम में, इनका कुछ सामान रह गया होगा। अरे यार ये देख रहे हो क्या क्या सामान मंगाते हैं मुझसे बीच में। एक मिनट, ये लो। बताओ, एक चीज़ बताओ, ये कितना दूर है हमारा त्र्यंबकेश्वर? 130 तक आ जाएंगे। 130 किलोमीटर हाँ। और कितना टाइम लगता होगा? 2-2.5 घंटा लगेगा। आज तो मंडे भी रश होगा? आज रश होगा, कल तो ज़्यादा था। कल ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा था। कल कस्टमर ने एक टिकट 2000 का लिया, 3-6 हज़ार में दर्शन करवा। तो देखिए यार, सब जगह मतलब टिकट ही चल रही है आजकल, अगर आपको प्रायोरिटी पे दर्शन करने हैं ना, तो आपको पैसे लेके क्यू में खड़े रहेंगे, तो चार पाँच छः घंटा दर्शन करवाते। वैसे 200 रुपये का पास है हाँ, उसमें भी 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। 200 रुपये का पास तो सब ले लेते होंगे ना, इसलिए तो मेरे ख्याल से अभी तो ठीक है, अभी तो हमारी 3 घंटे की जर्नी है। सो लेट्स सी। और मेरे ख्याल से थोड़ा माउंटेन वाला रेंज है, कैसा रेंज है? माउंटेन वाला है, लेकिन अपने को ऊपर नहीं जाना। अच्छा, ऊपर नहीं जाना, मतलब सपना था ना हिली एरिया देखने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। बट देखते हैं कैसा है, आई थिंक मौसम बहुत अच्छा है, तो आई थिंक रास्ता जो है वो थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो इट्स टाइम टू गेट द फ्यूल। डीजल है दादा, डीजल 1300 का। मुझे लगा था लबालब भरेंगे, लेकिन 1300 का कह रहे हैं, तो 1300 का डालते हैं। वो ना जाने से पहले हवा पानी सब पूरा होना चाहिए, तो वही करवा रहे हैं। दादा ने डीजल करा लिया फुल, मतलब 1300 रुपये का, और बाकी अब हवा भर जाएगी तो थोड़ा सा जो है ना हमारा सेटल हो जाएगा ओवरऑल प्रोग्राम। मौसम जो है ना भाई, वो सच में मतलब मौसम की वजह से और अच्छा लग रहा है। अगर ये धूप होती ना तो थोड़ा सा मतलब फसा सा लगता है, लेकिन अभी फसा फसा नहीं है। यहाँ पे एक फ़र्क है सिर्फ, पता है वो क्या है? वो फ़र्क है हवा का। एयर इज़ एक्चुअली गुड, फुल ऑफ ऑक्सीजन। फेफड़े जो है ना वो भर गए हैं पूरे ऑक्सीजन से, मज़ा आ गया। मतलब चले आ सही, हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा
कह रहे थे ना कि हम सोते नहीं हैं, मैं जगी हूँ, दिखाता हूँ इधर। आप बताओ क्या बोलोगे इसको, है कुछ बोल सकते हैं? ट्रैवल करो और हॉल्ट ना लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने लिए एक हॉल्ट, क्योंकि जो दीपक भाई हैं, दीपक भाई ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था सुबह, और हमें भी मतलब चाय पीने की हुड़क तो लगी हुई है, तो चाय पीना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। तो मम्मी थोड़ी सी आलस दिखा रही हैं, कह रही मैं गाड़ी में ही रहूँगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि गाड़ी में रहेंगी, अभी देखना आएंगी बाहर। यू कमिंग आउट? अच्छा, यहाँ भी मतलब जब तक बाल ठीक ना कर ले तब तक आ नहीं पाएंगे, तो फिर ब्लॉग्स में आना नहीं है क्या? ये भगवान, ये लाइन कटवाएगी लड़की है। इसका नाम क्या है? बांसुरी। बांसुरी तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मथुरा में आ। हाँ, बांसुरी भी तो लग मथुरा वृंदावन एंड ऑल दैट। देखो क्या क्या मिलता है यहाँ पर। okay, हमारी चाय, ये वैसे हमने तीन चाय बोली थी, बट ठीक है, दो गर्म बहुत है यार। जल्दी पी के बताओ कैसी है चाय। हाँ, ये जब कोई ऐसे करके ऐसे बताता है ना, इसका अच्छी है यार, कुछ नर्सरी टाइप का लग रहा है। मतलब मीतू ने बोला है, लेकिन मुझे डाउट है कि ऐसी कोई नर्सरी है नहीं वैसे यहाँ पे, बट स्टिल थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए कि आसपास क्या है। अच्छी बात जो सबसे अच्छी बात है ना, वो यहाँ की हवा की है, ठंडी भी है, बढ़िया भी है। और ये तो हमारे ढाबे का सिर्फ बैक साइड है और कुछ नहीं है। ये क्या है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो हमें नहीं पता? कुछ लग रहा है भाई, सीक्रेट कुछ तो है इसके अंदर। भाई बदबू, डस्टबिन, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा बास मार रहा है यार। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलो भाई, चाय आएगा, पेमेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है, और दीपक भाई ने खाना भी खा लिया है। अब बिना रुके सीधा पहुंच रहे त्र्यंबकेश्वर, ताकि हमारा टाइम ज्यादा खराब ना हो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं त्र्यंबक। ये आपको मंदिर दिख रहा है सामने, बिल्कुल छोटा। अब यहाँ पे अपन लोग को जाना है, लेकिन गाड़ी हमें यहीं पे ड्रॉप करनी पड़ेगी, और मॉम को जाना है अभी वॉशरूम, सो लेट्स सी कि कहाँ पे इनको लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, एंड विल गेट सम पासेस एज वेल, क्योंकि पास लेना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज लाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पास लेंगे तो जो 3 घंटे का रास्ता है वो शायद 1-1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। रास्ता मतलब जो रोज़ बनती है, तो वो रोज़ को थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे हम लोग। पीछे मंदिर देख रहे हो, ये वाला मंदिर, ये वाला, ये ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज़ में कोई शूटिंग होती है ना, तो वो वाली शूटिंग्स में काफ़ी यूज़ होता है। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा लग रहा है तो मैंने बता दिया। ये वाला मंदिर है तो बहुत पास में, आई डोंट नो वो लाइन का क्या फंडा है, कितना रश है, कितनी भीड़ है, सो लेट्स सी, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। जिस भी शहर में मंदिर होता है उसके आसपास ऐसी मार्केट होती है, तो बिल्कुल वैसी मार्केट है। कुछ खाने पीने का सामान है, प्रसाद है, और ये जो लोकल मार्केट है ना, ये सब जगह सेम ही होती है। और अगर आपको कुछ कपड़े लेने हैं आप ले सकते हो। ऐसा लग रहा है ऋषिकेश आ गए हैं या फिर हरिद्वार आ गए हैं। लोग थोड़े से बोलचाल में थोड़े से अलग हैं, बिकॉज यहाँ लोग मराठी बोलते हैं, बट लुक एंड फील एक ही जैसा है। कभी कभी मथुरा वाला फील भी आ रहा है बीच बीच में। अच्छा है लेकिन यार,
मौसम अच्छा है तो इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा है। बाकी मंदिर के अंदर जाके देखते हैं कि हम शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंदिरों में एक बड़ा आजकल वो चल रहा है कि कैमराज लेके नहीं जाने दे रहे, फ़ोन आप नहीं लेके जा सकते हो, व्लॉगिंग आप नहीं कर सकते हो, बट जितना पास हो सकता है उतना पास लेके जाते हैं और विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट फॉर लाइफ। ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया देखे ना, ये पहाड़ और इतने सुंदर पहाड़ बादल उस पे, और मौसम बहुत अच्छा है। मतलब इन तीन सोमवार में ना लोग इस मंदिर के दर्शन करने के बाद इस पूरे पहाड़ की ना एक चक्कर लगाते हैं जो कि 60 किलोमीटर का है, और लोग पैदल चलते हैं और गोदावरी जो नदी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। मार वार पड़ रही है बच्चों को, भैया देखो कहीं भी होंगी ना माँ तो सेम ही रहेगी, पिटाई सबकी सेम ही होनी है। यार ये देखो, ये है आई थिंक मंदिर, पाद ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर उत्तर महाद्वार। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो पास लेने की जो जगह है वो थोड़ी सी अलग जगह पे है ना गुरुदेव। दादा पास कहाँ से मिलेगा? पास अरे बाबा उसकी तरह। अच्छा एक वो दे देना बैग। कितने मेंबर सर? तीन। एक अपडेट ये है कि शायद अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, मतलब कैमरे का रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो बैग में रख के अपन लोग को मतलब लेके जाना पड़ेगा अंदर कैमरा। तो मैं अंदर तो आपको रिकॉर्ड करके नहीं बता पाऊँगा ना दिखा पाऊँगा, तो उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। बट नेवरदलेस बाहर से आप दर्शन कर सकते हो, तो दिस इज द एरिया। तुम्हें तो मैं पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग यहीं रहना, यहीं से मिलेगा आगे से। चप्पल हम लोगों ने रख दी है पास, एक बार देखते हैं कहाँ से मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप पास लो फिर आप बाहर जाओ फिर आप अंदर आओ, तो एक काम करना पड़ेगा इन दोनों को साथ लेके जाना पड़ेगा, वहीं से पास लेने का है और वहीं से अंदर दर्शन हो जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड लाइन है बट कैमराज आर नॉट अलाउड, तो इसको रख लेंगे बैग के अंदर और उसके बाद आपसे सीधा मिलेंगे हम जब बाहर आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद और आप सबके लिए भी प्रे कर लेंगे, तो तब तक थोड़ा सा इंतज़ार एंड आई विल सी यू एंड सम टाइम। तो हाय गाइस, मतलब इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि VVIP नाम का जो एक आपको 200 रुपीज़ का पर्चा मिलता है ना, उसके बावजूद भी आपको बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे अगर आते हो तो। बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम लगा और अभी ऐसा है कुछ मुझे नॉर्मल लाइन दिख ही नहीं रहा है कि अगर कोई बिना VIP पास के जा रहा है तो कैसे जा रहा है। वैसे VIP नाम की कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोग भी दर्शन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किए। अभी सबको लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो अभी देखते हैं कि खाने में क्या अवेलेबल है यहाँ पे। देखो ये भी है गुजराती थाली, ये सब भी है यहाँ पे। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें कि कहाँ पे खाने का हिसाब किताब ठीक है। इसके आगे मुझे लग नहीं रहा कि कुछ खाने का, नहीं तो इसके आगे कुछ नहीं है खाने वाला उधर ही होगा। इधर से आए थे ना, इतनी सी जगह है, यहाँ भी भटके जा रहे हैं, क्या होगा हमारा। भैया देखो दम तो चाहिए, दम तो बहुत ज़्यादा चाहिए भैया घूमने के लिए। और
यहाँ पे बाहर सड़क पे आपको रश बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मतलब अंदर तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, आप 200 रुपये दो या 500 रुपये दो। और एक VVIP जो रास्ता है उसके लिए आपको किसी बड़े अधिकारी के रिटर्न कुछ चाहिए होगा, तब आप जा पाएंगे वरना नहीं जा पाएंगे। कि फाइनली हमें खाने की जगह मिल गई है और ये थोड़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी लग रही है एज़ कम्पेयर टू अदर। और ये जो दो हमारे भक्तगण हैं इनका भी, तो ठीक है पहले यहाँ कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। भोजन कर लिया हम लोगों ने और सबका पेट गया भर। अभी यहाँ से जाने की बात हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम आपको, मतलब यहाँ से निकलने से पहले एक बार आपको दोबारा दर्शन करा देता हूँ। पीछे फॉग देखो क्या शानदार है, ये अद्भुत नज़ारा हर रोज़ देखने को नहीं मिलता, जबरदस्त। वाओ, देखो मुझे अभी अपने कैमरे में थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, लेकिन आई थिंक जब ये स्क्रीन पर दिखेगा ना तो आपको वैसी वाइब्स आएंगी जैसे मुझे एक्चुअल में आ रही है। बस अब यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं और मीतू एंड मॉम आर ऑल्सो वेटिंग, आई एम कॉलिंग माई ड्राइवर अगैन। तो आई थिंक ये जगह आपको इतनी अच्छी लगी होगी, तो हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, इट इज़ लाइक समथिंग एल्स। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इन लोगों से ही मिल लेते हैं और लेट्स से बाय बाय। बाय बाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।